हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपकी साइंस की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 29। ये 9 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। तो लाइफ लास्ट वर्कशीट में भी हमने किया था, लाइफ प्रोसेसेस पर वर्कशीट की थी हमने, तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये वर्कशीट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, जहाँ पर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी। अब इस वर्कशीट में हम देख रहे हैं कि प्लांट्स में ये सर्कुलेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जो इनके मिनरल्स हैं, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, वो इधर से उधर कैसे जाता है, एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं कि वर्कशीट में क्या है। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज अ नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। तो जो मिनरल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अलग तरह के जो मिनरल्स होते हैं, तो वो प्लांट्स को इजीली और सबसे जल्दी और नियरेस्ट जो है वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है सॉइल से। तो जो मिट्टी है जिसमें प्लांट्स उगते हैं, वो ही जो होता है वो उनका नियरेस्ट, मतलब सबसे पास, इजीली अवेलेबल और रिचेस्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा मात्रा में जहाँ पर ये मिनरल्स होते हैं, रॉ मिनरल्स होते हैं, वो जो है वो मिट्टी ही होती है जहाँ से प्लांट्स को वो मिलता है। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. अब ये जो minerals है या और जो ये substances हैं, उनका absorption कैसे होता है, उन्हें सोखा कैसे जाता है, तो वो होता है roots से। तो जो roots हैं, roots माने जो जड़े जो हैं, तो उनसे जो है इन substances का absorption होता है, मतलब कि उन्हें सोखा जाता है। तो वो होता है रूट से, क्योंकि वही जो है वो कांटेक्ट होता है प्लांट्स का सॉइल से। तो जो ये रूट्स होती हैं, जड़े जो होती हैं, वो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जाती हैं, और यही उनका वो कांटेक्ट पॉइंट होता है जिससे कि ये मिनरल्स जो हैं, हम वो प्लांट्स जो हैं ले सके। इफ द डिस्टेंसेज बिटवीन द रूट्स एंड द लीव्स आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन इजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो अगर जो जड़े हैं, प्लांट की जो जड़े हैं और जो प्लांट के जो पत्ते हैं, मतलब कि अगर जो छोटा प्लांट है और इन दोनों के बीच में, जड़े और पत्तों के बीच में जो जगह है, जो डिस्टेंस है, जो रास्ता है, वो अगर छोटा है, तो इसका मतलब है कि प्लांट अगर छोटा है तो जो एनर्जी और रॉ मटेरियल जो है उसको इजीली जो है इधर से उधर प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। वहीं अगर ये जो डिस्टेंस है, मतलब जड़ों और पत्तों के बीच में जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, वो अगर बहुत बड़ा है, तो लार्ज डिफ्यूजन प्रोसेसेस जो है वो सफिशिएंट नहीं होते हैं इन रॉ मटेरियल्स को पहुंचाने में लीव्स तक, और एनर्जी जो है वो पहुंचाने में। तो मतलब कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रूट से, सिर्फ जड़ों से ही एनर्जी लेना जो है वो बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं या बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बहुत आसान नहीं होता है। इसी वजह से जो है पत्तों पर भी जो है वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, खाना प्रोड्यूस होता है, और फिर वहां से भी जो है प्लांट में अलग अलग जगहों पर ये खाना और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप ऑलरेडी इस पे वर्कशीट कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें खाना बनता है पेड़ों में, और वो फिर जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो अब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। So a proper system of transportation, xylem and phloem is therefore essential in such situation. तो सिर्फ जो है अगर बहुत बड़े पेड़ हैं, तो सिर्फ जो है नीचे रूट से जो है डायरेक्टली लीव्स में पहुंचना इस एनर्जी का, रॉ मटेरियल्स का आसान नहीं होता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए पेड़ों को कि कैसे इधर से उधर जो है चीजें ले जाई जा सके, वाटर, मिनरल, फूड ले जाया जा सके, और उसके लिए आ जाता है xylem और phloem। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इन्हें अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज। तो प्लांट्स, आपको पता है कि वो मूव नहीं करते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, तो इसी वजह से जो है उनकी टिश्यूज में जो है बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे सेल्स जो अब यूज नहीं होते हैं, वो डेड हो चुके हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसी वजह से जो है प्लांट्स की जो है एनर्जी नीड्स जो है, मतलब कि उन्हें कितनी एनर्जी चाहिए, वो नीड्स जो है बहुत ही कम होती हैं, और इसी वजह से जो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि इधर से उधर जाने का जो सिस्टम है वो जो है वो स्लो भी हो सकता है।
हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोकोमोशन करते हैं, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इस वजह से हमारा एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हम एनर्जी यूज करते हैं, हम बोलते भी बहुत है इसलिए भी एनर्जी यूज होता है, तो इसी वजह से जो है हमारी जो एनर्जी नीड्स है वो हाई है, और इसी वजह से जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत फास्ट है। जैसा हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किया कि जो हार्ट है वो रेगुलरली पंप करता रहता है, लंग्स जो है वो रेगुलरली जो है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भेजते रहते हैं, तो हमारा जो है बहुत ही फास्ट और बहुत ही रेगुलर जो है वो सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर है। लेकिन प्लांट्स को ऐसा इतनी जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत तो है लेकिन वो स्लो पेस पे भी काम कर सकते हैं। अब आगे आपको क्या बताया गया है वो देख लेते हैं। तो प्लांट में जो है दो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं, मैं एक बार वो आपको अच्छे से यहाँ दिखा देती हूँ कि कौन से वो दो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस है। तो पहला प्रोसेस तो है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वॉटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें जो है वॉटर जो है लूज होता है, मतलब कि पानी जो है वो गैस बन के वेपर बन के उड़ जाता है प्लांट्स में, और कहाँ से उड़ जाता है? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वो प्लांट के वो वाले पार्ट, वो वाले हिस्से जो हवा में है, तो रूट जो है, जड़े जो है, वो तो मिट्टी के अंदर होती है, वो बाहर नहीं होती है, लेकिन मिट्टी के बाहर आसमान में हवा में कौन है? होते हैं पत्ते, पत्ते हो गए, या फिर जो उसकी जो तना जो है, जो बार्क जो है, जो उसका स्टेम जो है, वो सब जो है आप हवा में देख सकते हैं, मतलब कि आप लाइव उसको अपने सामने देख सकते हैं, वो कहीं दबे हुए छिपे हुए नहीं है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं उनके ऊपर जो पानी होता है वो जब वेपर की फॉर्म में, मतलब गैस की फॉर्म में जब वो उड़ जाता है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये पानी का उड़ना भी इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, वन ए पार्ट अब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि पानी जो है ऊपर आता है, तो जो अब्सॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का जो है वो रूट्स में से, जड़ों में से जो अब्सॉर्प्शन होता है वाटर मिनरल्स का, क्योंकि वो ऊपर खींचता है, उसे ऊपर की तरफ सोखा जाता है, तभी जो है वो पत्तों द्वारा यूज किया जाता है, तभी जो है पत्ते उसे यूज कर पाते हैं इन वाटर और मिनरल्स को। अब दूसरा रीजन क्या है कि ट्रांसपीरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो आप देखते होंगे गर्मी में आपको भी पसीना आता है, तो ये जो प्रोसेसेस हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन भी जो है प्लांट्स को जैसे पसीना आ रहा हो, ये वो प्रोसेस होता है। अब ये जो प्रोसेस है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर या फिर प्लांट्स की बॉडी का टेम्परेचर या प्लांट्स का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो इस प्रोसेस में जो है ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। तो जो रूट जो है, जड़े जो है, जो प्रेशर डालती हैं जिसकी वजह से जो है पानी जो है वो सोख लेती हैं, खींच लेती हैं अपनी तरफ, वो जो है वो रात को और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में आपको पता है कि पत्तियों पर जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, वो खुले होते हैं, क्योंकि वो सनलाइट से जो है वो सनलाइट कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए वो खुले होते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। लेकिन ये जो है रात को नहीं होता है, तो इसलिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रात को जो है ये जो रूट्स है, जड़े जो है, वो प्रेशर बनाकर जो है पानी वो खींच सके। तो जो ट्रांसपीरेशन पुल है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स हो जाता है मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तो जो जाइलम है, जाइलम क्या होता है हम अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो ये जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है कि पानी ऊपर खींचता कैसे है, वो जो है वो रूट से खींचती है, और साथ ही साथ स्टोमेटा ओपन ओपन होता है दिन में, तो वहां से भी जो है प्लांट जो है पानी ले पाते हैं। लेकिन रात को जो है, रात को क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं और वहां से पानी नहीं आ सकता है, न्यूट्रिशन नहीं आ सकता है, सनलाइट नहीं आ सकता है, तो इसीलिए जो है जाइलम जो है रूट्स के अंदर वो जब पानी खींचती है रूट्स के थ्रू, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो एनर्जी इज यूज इन ट्रांसपीरेशन। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ट्रांसपीरेशन जब होता है प्लांट्स में तो उसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, वो है ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स
फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो लीव्स को क्या कहते हैं? लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं. फैक्ट्री क्यों? क्योंकि ऐसी जगह जहां पर फूड बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो जो खाना जो है वो प्लांट्स में लीव्स पर बनता है. लीव्स आर द साइट, मतलब लीव्स पत्ते वो जगह है जहां पर खाना बनता है, तो इसलिए पत्तों को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है. अब खाना तो बन गया, लेकिन खाना जो है बाकी प्लांट्स के पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा? तो वो कैसे पहुंचता है? वो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसलोकेशन के थ्रू. तो ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बना हुआ खाना है लीव्स पर से, वो वहां से जो है बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट में भेजा जाता है. तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? वॉटर सर्कुलेट होता है, और ट्रांसलोकेशन में फूड सर्कुलेट होता है. इसमें एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूज ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसपीरेशन में आपने देखा कि नो एनर्जी इज यूज, कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, लेकिन ट्रांसलोकेशन में एनर्जी यूज होती है. और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है एटीपी से. एटीपी एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आपने पढ़ा है ऑलरेडी, इसे फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है. तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी को यूज करते हुए ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है. अब आगे चलते हैं. एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं कह रही थी, जाइलम और फ्लोएम का हम डिस्कशन करेंगे, वो अब जो है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं. अब जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स. तो प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि प्लांट जो है वो इधर से उधर चीजें करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? तो वो क्या करते हैं कि लीव्स में से जो है वो एनर्जी जो स्टोर्ड है उसको मूव करते हैं, और रूट्स में जो रॉ मटेरियल है, जो भी मिनरल्स हैं, वो उसको मूव करते हैं. अब इसको करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट कंडक्टेड पाथवेज या ट्यूब्स हैं. प्लांट में ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो उसके लिए जो है एक ट्यूब्स की तरह है. मतलब जैसे आपने स्ट्रॉ देखा होगा, आप जैसे जूसेस पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो स्ट्रॉ से पीते हैं, पाइप से पीते हैं. तो वो जो है पाथवे, ये जो ट्यूब होती है, मतलब वो उतनी मोटी नहीं होती, बहुत ही पतली सी होती है, आपको पता भी नहीं चलता है. तो वो जो है वो जाइलम और फ्लोएम है जो इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है. फूड, रॉ मटेरियल और पानी जो है उसको वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती है. अभी ट्यूब्स कौन कौन सी है? पहली ट्यूब है जाइलम, जो वाटर और मिनरल को जो है सॉइल से, मिट्टी से जो वाटर और मिनरल लिया है उसको मूव करती है. और दूसरा है फ्लोएम. फ्लोएम क्या करता है? जो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बने हैं, मतलब पत्तों ने जो फोटोसिंथेसिस करके जो खाना बनाया है, उसको फिर वो ट्रांसपोर्ट करता है. वेयर दे आर सिंथेसाइज टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो वो बाकी प्लांट्स के पार्ट में इसे भेजता है. अब जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंसेस क्या है, मतलब फंक्शनल डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में? तो डिफरेंसेस यही है कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स में से. दूसरा है कि जाइलम का जो मूवमेंट है वो हमेशा अपवर्ड होता है. मतलब कि जाइलम के अंदर जो चीजें मूव करती हैं, वाटर और मिनरल जो मूव करता है, वो हमेशा अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ होता है. मतलब कि सॉइल टू लीव होता है, तो हमेशा सॉइल में से, मिट्टी में से पत्तों की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है. वहीं फ्लोएम में क्या है? फ्लोएम में जो मूवमेंट है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकता है. तो हो सकता है कि पत्ते ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं पे भी खाना भेज रहे हो, तो ये जो मूवमेंट है फ्लोएम में, ये ऊपर या नीचे कहीं पर भी अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है. तीसरा डिफरेंस है इसमें कि जाइलम जो है ट्रांसपीरेशन जो हमने अभी डिस्कस किया, वो होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीव. पत्तों में से जो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स है वो जो इवेपोरेट हो जाते हैं, उनका जो वाष्पीकरण हो जाता है, वो जो उड़ जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं. अब ट्रांसपीरेशन क्या करता है? वो एक सक्शन क्रिएट करता है. इट क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स. तो रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर जो जाइलम होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो एक सक्शन क्रिएट करते हैं. ट्रांसपीरेशन से एक सक्शन क्रिएट होता है, मतलब कि एक पुल क्रिएट होता है, एक खालीपन सा, दबाव सा एक बन जाता है, एक प्रेशर बन जाता है, जिससे कि पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है. वहीं पर फ्लोएम जो है उसका जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है प्लांट की नीड्स पर. तो वो देखता है कि भाई प्लांट में कहाँ पर ज्यादा जरूरत है. मतलब एक पत्ता अगर थोड़ा पीला सा पड़ रहा है, तो उस तरफ अगर एनर्जी की जरूरत है, थोड़ा सा ढीला सा हो रहा है, उसको वहां जरूरत है, तो जल्दी से जो है वहां पर खाना पहुंच जाता है. तो और ये कैसे होता है? अब ये फ्लोएम का जो मूवमेंट है उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब चलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पर. तो पहला क्वेश्चन है आपका,
What are the components of the transport system in highly organized plants? Highly organized जो plants है उसमें transport system के कौन से components हैं? हमने अभी discuss किया कि highly organized plants में xylem and phloem, तो ये vascular tissues होते हैं actually. तो ये जो है ये main components होते हैं. Generally अगर देखा जाए तो xylem carries water and minerals from roots. तो वो जो है रूट जड़ों में से जाइलम जो है वाटर और मिनरल कैरी करता है. एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स मतलब जो आप सामने देख सकते हैं जो हवा में जो है पार्ट्स उनमें कैरी करता है. और वहीं पर फ्लोएम जो है वो फूड कैरी करता है लीव से प्लांट्स के बाकी पार्ट की तरफ. तो ये आपका आंसर वन हो जाएगा. चलते हैं आपके क्वेश्चन टू पर. क्वेश्चन टू कहता है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. तो वाटर और मिनरल्स प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये आपके आंसर टू है. मैं आपको ऑलरेडी ये समझा चुकी हूँ. चलते हैं क्वेश्चन थ्री पर. क्वेश्चन थ्री आपका कहता है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. अभी अभी मैंने आपको समझाया मैकेनिज्म कैसे होता है. तो आप ये वाला जो है वो आप लिख सकते हैं कि खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. फिर आप लास्ट लिखेंगे आपका फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है. फोर्थ क्वेश्चन कहता है The xylem in plants are responsible for the transport of. तो xylem क्या transport करता है, वो A water transport करता है. Food तो phloem transport करता है, amino acids और oxygen वो नहीं करता है. तो xylem जो है वो water transport करता है. चलते question 5 पर. Question 5 कहता है What are the differences between the transport of minerals in xylem and phloem. तो xylem और phloem में जो transport का जो system है वो कैसे डिफरेंट है. तो वो कैसे डिफरेंस है, तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे. ये दो यहाँ जाइलम के लिखेंगे और ये दो जो है आप यहाँ पर फ्लोएम के लिखेंगे. आप चाहें तो ये जो बाकी दो है आप इनको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपको आंसर लग रहा है कि मुझे ज्यादा लंबा हो गया है तो आप ये दोनों लेकिन पॉइंट जरूर लिखेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है. उम्मीद है कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. कोई भी डाउट है तो हमसे जरूर पूछिए आप, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. तो आज की वर्कशीट में इतना ही है. थैंक यू.